नमस्कार, झरोका चैनल आपका स्वागत करता है और हम जगदीश चंद्र माथुर जी का आज जीवन परिचय करेंगे। माथुर जी का जन्म 1917 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1978 में हुई। वे उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले में पैदा हुए थे और इलाहाबाद में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। स्कूली दिनों से ही उनकी नाटकों में बहुत रुचि थी। वे नाटक लिखते थे, नाटक करते थे, नाटकों का निर्देशन भी करते थे। तो इस तरह उनका अभिनय में, लेखन में, निर्देशन में, तीनों ही क्षेत्रों में उनका एक विशेष जो है वो प्रभाव बना। उनके नाटकों में विषयों की विविधता है। उन्होंने एक तरफ ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं तो दूसरी तरफ सामाजिक नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदीया, पहला राजा, ये चारों उनके पूर्णकालिक नाटक हैं, तीन अंकों वाले। और उन्होंने जो एकांकी लिखे हैं उनका शीर्षक है भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये दोनों संकलन उनके एकांकी नाटकों के संकलन है। तो यह था जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय। कृपया से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।